हेलो माय बीटीएस आर्मी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आप में से जितने भी के ड्रामा एंड के पॉप लवर है, आप सभी आयु को तो बहुत अच्छे से जानती होंगे। आज हम वीडियो में बात करेंगे के पॉप वर्ल्ड बिगेस्ट सिंगर आयु के बारे में। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको आयु के बारे में बताऊंगी, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, उनको बचपन में किस किस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा और आयु ने चाइल्डहुड में इतनी सारी प्रॉब्लम देखी, फिर भी उन सभी प्रॉब्लम को फेस करते हुए आज आयु की पोजिशन कोरिया में नंबर वन की है। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही लगे नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप बिल्कुल मिस ना कर पाए। तो माय बीटीएस आर्मी, आप सभी ये तो बहुत अच्छे से जानते हो, हमारे बीटीएस के गोल्डन मार्क ने जंगकुक की आइडल टाइप गर्ल जो है वो आयु है, और जंगकुक आयु को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं एज अ आइडल। आप ये भी कह सकते हो जंगकुक की इंस्पिरेशन जो है वो आयु है, और जंगकुक ने कई बार ये रिवील किया कि आयु के ऊपर उनका बहुत बिग क्रश है। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको आयु का रियल नेम बताना चाहूंगी। आयु का रियल नेम ली जियो यून है, आयु उनका स्टेज नेम है, और आज के टाइम में पूरे केपॉप वर्ल्ड की क्वीन कहलाई जाने वाली आयु। भले ही आज के टाइम में पूरे केपॉप वर्ल्ड की फीमेल जस्ट केपॉप आइडल हो, बट क्या आप सब ये जानते हो आयु ने अपने चाइल्डहुड में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया, और बाकी सभी बच्चों की तरह उनका बचपन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं गुजरा। तो मैं आपको बता दूं, एक बार आयु ने अपने एक इंटरव्यू में खुद रिवील किया था कि जब वो छोटी थी उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, जिसके चलते कई कई दिनों तक उन्हें सिर्फ आलू खाने पड़ते थे जो तिल चिट्टों से भरे होते थे, और कई दिनों तक तो उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, उनके भाई और उनको भूखा ही रहना पड़ता था। और साथ ही आयु ने ये भी बताया, उनका और उनके भाई का बचपन उनकी दादी के साथ बीता। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते उनके पेरेंट्स दोनों अलग जगह पर जॉब करते थे, जिसके चलते उनका भाई और वो खुद अपनी दादी के साथ रहते थे, और इन तीनों को एक ही रूम में रहना पड़ता था क्योंकि इनके पास घर के नाम पे सिर्फ एक ही रूम था, और जो बारिश के टाइम पर बहुत ज्यादा लीक करता था। और जब बारिश का मौसम स्टार्ट होता था तो आयु की दादी उन दोनों को लेकर अपने रिश्तेदारों के घर चली जाती थी रहने के लिए, और आयु के रिलेटिव्स एक बार आयु सोने के लिए लेटी थी बट वो सोई नहीं थी। आयु के अंकल ड्रिंक करके आते हैं और अपनी वाइफ को बोलते हैं, ये अभी तक यहीं है, ये अभी तक गई क्यों नहीं, कब तक यहाँ रहेंगी। और आयु उस टाइम जागी हुई थी, तो आयु ने अपने अंकल की सारी बातें सुन ली थी, और यही नहीं, उनकी आंटी और उनके और भी रिलेटिव्स जिनके घर आयु जाकर रहती थी, वो सभी आयु और उनकी दादी को बहुत ताने देती थी कि अब ये फिर से हमारे घर रहने के लिए आ गए हैं। और हालात के चलते आयु का बचपन बिल्कुल भी और नॉर्मल चाइल्ड की तरह नहीं बीता। आयु बहुत जल्दी बड़ी हो गई थी, महज 12 साल की उम्र में आयु ने बहुत प्रॉब्लम का सामना किया, और आयु के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो वैन अफोर्ड कर सके, इस वजह से आयु को स्कूल भी पैदल ही जाना पड़ता था, और आयु का स्कूल उनके घर से बहुत दूर था। और रात के चलते आयु 12 साल की उम्र में ही बहुत बड़ी एंड मैच्योर हो गई थी। आयु 7th क्लास में थी और उनको सिंगिंग बहुत अच्छे से आती थी, तो उन्होंने सोचा था कि वो अपना करियर सिंगिंग से स्टार्ट करेगी और वो सिंगर बनेंगी, जिसके चलते 7th क्लास में आयु ने अपना फर्स्ट ऑडिशन दिया। और क्या आप जानते हो, आयु ने लगातार 20 ऑडिशन दिए और सभी ऑडिशन में आयु को रिजेक्ट कर दिया गया, यहाँ तक कि JYP जो बहुत बड़ी कंपनी है उसने भी आयु को रिजेक्ट कर दिया था। और लगातार रिजेक्ट होने के बावजूद भी आयु ने हार नहीं मानी, वो एक के बाद एक अपने कई ऑडिशन देती गई, एंड देन लॉन कंपनी ने आयु को एक मौका दिया जहाँ पे आयु ने 2007 से 2008 तक एज अ ट्रेनी वर्क किया। और फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर आयु ने डिसाइड किया कि वो कंपनी के हॉस्टल में रहेंगी, बिकॉज यहाँ पर आयु के लिए खाना और रहने के लिए जगह थी। गाइज, मैं आपको बता दूं, आयु की फर्स्ट एल्बम 2008 को रिलीज हुई, जिस एल्बम का नाम था लॉस्ट एंड फाउंड, और ये एल्बम आयु की बहुत ज्यादा पॉपुलर रही, बट आयु को इस एल्बम से इतना ज्यादा फेम नहीं मिला। बट फाइनली 2010 में आयु को फेम मिलना शुरू हुआ उनके एल्बम रियल से, और इस एल्बम में आयु का सॉन्ग था गुड डे, और ये सॉन्ग इतना ज्यादा पॉपुलर रहा जिसके चलते कोरिया के गॉन डिजिटल चार्ट पर आयु का ये सॉन्ग 15 वीक तक टॉप रैंक में रहा, और आयु इस गुड डे सॉन्ग में मेन लीड रोल में थी। और गाइस, यही वो सॉन्ग था जिसके चलते आयु इतनी ज्यादा फेमस एंड पॉपुलर हो गई, और आज के टाइम पे कोरिया की नंबर वन सिंगर जो है वो आयु ही है, और आयु को कोरिया के लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और कोरिया के सभी लोग आयु को इतना ज्यादा पसंद करते कि अगर आयु के बारे में कोई जरा सा भी गलत बोले तो वो लोग उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। और सभी कोरियंस आयु को अपना फैमिली मेंबर मानते हैं, बिकॉज आयु बहुत ज्यादा काइंड नेचर की है और आयु बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आयु अपनी सैलरी का बहुत बड़ा अमाउंट डोनेट कर देती है, और यही नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं, आयु को इस डोनेशन के ऊपर बहुत सारे सर्टिफिकेट भी मिले हुए हैं। और आयु ने ये भी बताया कि अभी तक जितने भी लोगों ने आयु से हेल्प ली है, आयु ने किसी को भी मना नहीं किया, आयु ने सभी की हेल्प की है। और आयु बहुत सारे हेल्थ फाउंडेशन से जुड़ी हुई है, जैसे कि कैंसर और जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उनकी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते, आयु वहाँ भी डोनेट करती हैं।
और साथ ही गाइज मैं आपको ये बता दूं, आयु की हर साल एक न्यू एल्बम रिलीज होती है और वो सभी एल्बम सुपर डुपर हिट होती है और हर गॉन डिजिटल चार्ट पर आयु की एल्बम ट्रेंड करती रहती है। और ईयर 2013 में आयु ने अपने एक्टिंग करियर को स्टार्ट किया ड्रीम हाउस शो से, जिसमें होटल रेनुला एंड मून लवर्स आयु के बहुत फेमस एंड पॉपुलर शो हैं। अगर आप सभी ने नहीं देखे तो आप जाकर देखो। और साथ ही अगर आयु के अचीवमेंट्स की बात की जाए तो शायद ही कोरिया का कोई ऐसा अवार्ड होगा जो आयु को ना मिला हो। आयु को हमेशा और हर साल अलग अलग कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया जाता है और आयु उन सभी अवार्ड को विन कर लेती हैं। और आयु अभी तक 130 से ज्यादा अवार्ड विन कर चुकी है, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से आयु का बचपन बहुत अच्छा नहीं गुजरा और पुअर होने की वजह से उनके क्लासमेट उनको चिढ़ाते थे एंड बुली करते थे, और जिसके चलते बाद में आयु को एंटी बुलिंग अवार्ड भी मिला। और आयु ने मेहनत करना नहीं छोड़ा, आयु हर साल अपनी एक न्यू एल्बम रिलीज करती थी और आयु की हर एल्बम हिट हो जाती थी और आयु बहुत फेमस हो गई थी, जिसके चलते आयु को कोरिया पावर सेलिब्रिटी की लिस्ट में आयु को 3rd पोजीशन मिली और आयु लगातार 5 साल तक उस पोजीशन पर रैंक करती रही। और साथ ही गाइस मैं आपको बता दूं, आयु का 2022 में ली जोंग सुक के साथ एक के ड्रामा आया था, जिस के ड्रामा में दिन लीड रोल प्ले किया था और उसी के बाद से आयु एंड ली जोंग सुक कपल बन गए थे एंड बहुत जल्द आयु एंड ली जोंग सुक शादी भी करने वाले हैं। आयु के पापा का नाम ली जोंग कुक है और आयु के मम्मी एंड ब्रदर का नाम कहीं भी रिवील नहीं किया गया है। और मैं आपको बता दूं, आयु का फेवरेट कार्टून टेम्पर है, जो एक तरह का बनी होता है, और आयु ने अपनी इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पर इसी बन्नी का फोटो लगाया हुआ है। और गाइज मैं आपको बता दूं, आयु को नेचर ऑफ सिस्टर कहा जाता है और कोरिया के सभी लोग आयु को अपनी फैमिली की तरह मानते हैं एंड आयु से बहुत प्यार करते हैं। और हमारे BTS के जंगकुक भी आयु को एज आइडल बहुत पसंद करते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, आयु की एक एल्बम आई थी जिसमें आयु ने सुगा के साथ कोलैब किया था और आयु ने हमारे जीहोप के साथ भी एक कोलैब सॉन्ग किया है और जीहोप एंड आयु की एक स्टेज परफॉर्मेंस भी हुई थी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।